साथ मैं हूँ मोहम्मद इमरान। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो के बच्चों के मसीहा कहें तो गलत नहीं कहा जाएगा। आए आज इनसे बात करते हैं, ये बच्चों को तालीम देने में किस तरह अपने स्कूल को और बच्चे के मुस्तकबिल को कैसे आगे लेके चल रहे हैं। आए इनसे बात करते हैं और इनके स्कूल के बारे में भी बात करते हैं और किस तरह ये 500-600 तलबा और तलबात को तालीम किस तरह दे रहे हैं। आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली हैदर। अली हैदर साहब, आप इसे यहाँ क्या करते हैं? यहाँ मैं एज ए ऑपरेटर सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के भवन से स्कूल चला रहा हूँ। अच्छा, स्कूल का नाम क्या है? अली मॉडल स्कूल वाला। कितना अर्सा हो गया है आपके स्कूल को चलाए? 2011 से ये स्कूल चल रहा है। आपको कैसे ख्याल आया कि आपको इस तालीम के एजुकेशन के उसमें आके बच्चों के मुस्तकबिल को संवारना चाहिए? कैसे ख्याल आया, कब ख्याल आया? पहले ही शुरुआत से ही मेरा ये ख्याल पता था कि जो बच्चे आउट हैं स्कूल से उनको पढ़ाया जाए। फिर सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ने एडवर्टाइज़ किया, हमने उसमें अप्लाई किया था, स्कूल मंजूर हुआ, उसके तावन से ये स्कूल चल रहा है। आपने ये स्कूल आया पहले खुद खोला, उसके बाद गवर्नमेंट ने आपको हेल्प करी, या आपने पहले गवर्नमेंट से एफिलेट करवाया उसके बाद आपने स्कूल का इफ्तिताह करा, कैसे? ये जो स्कूल है, पहले तो हमारे ऐसे सेंटर थे, फिर हमने अप्लाई किया था सिंध एजुकेशन फाउंडेशन में, एडवर्टाइज किया था, उसके बाद ये जो है स्कूल चला। अभी आपके बच्चे स्कूल में कितने स्टूडेंट्स जो हैं तालीम हासिल कर रहे हैं? हमारे स्कूल में 450 बच्चे जो हैं तालीम से मुस्तफीद हो रहे हैं। इस स्कूल के तावन से, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के तावन से हमारे बच्चे डॉक्टर कदी खान कैंपस इस्लामाबाद में भी पढ़ रहे हैं, IBS अखर में भी पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये स्कूल कहाँ तक तालीम दे रहे हैं? ये एलिमेंट्री तक तालीम दे रहे हैं। एलिमेंट्री मतलब KG से आप स्टार्ट कर रहे हैं? हाँ। और कौन सी आठवीं तक क्या? पहली से लेकर आठवीं तक बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये स्कूल कितना अर्सा से चलता हुआ आ रहा है? ये 2011 से चल रहा है। 2011 से। तो इसमें आपने जैसा कहा कि 400 से अबव स्टूडेंट्स हैं, तो उनके जो तालीम देने के लिए आपने जो उस्तादा को आपने हायर किया है, वो उनको सैलरीज गवर्नमेंट पेड कर रही है या आप अपने कहाँ से करते हैं, कैसे? सिंध एजुकेशन फाउंडेशन सब्सिडी हमें प्रोवाइड करती है, पर चाइल्ड 700 रुपीज़, उससे हम पूरा जो सिस्टम है वो चलाते हैं। तो अभी इसलिए यहाँ आपके स्कूल में कितने क्लासेस हैं और कितने टीचर्स हैं जो इनको रन कर रहे हैं? ये 18 से 20 टीचर्स हैं जो इसको रन कर रहे हैं, और 18 कमरे भी हैं इस स्कूल में। इसमें एक कंप्यूटर लैब है, एवी रूम है, और एक लाइब्रेरी भी है जो बच्चे उसमें गैर निसाबी सरगर्मियाँ में पढ़ते हैं। वाराणसी में इस टाइप के कितने स्कूल पाए जाते हैं जहाँ बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं? सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के 3 स्कूल्स हैं इधर वाराणसी में, और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, और ये बड़ी आबादी का बैकवर्ड एरिया है। तो आपने बच्चों को तालीम देना एक आपका ख्वाब था, या कैसे आपको मतलब कि दिल में ख्याल आया, और अब आप कैसा फील कर रहे हैं बच्चों को तालीम देकर उनका मुस्तकबिल संवारना एक बहुत बड़ी बात होती है? हाँ, पहले से ही मेरा यही ख्याल रहा था कि यहाँ बैकवर्ड एरियाज हैं जो बच्चे हैं आउट ऑफ स्कूल थे, उस लिहाज से मेरी यही कोशिश थी कि मैं स्कूल चलाऊँ, इन बच्चों को तालीम से रास्ता करूँ। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है काफ़ी ईयर्स हो गए हैं, आपके यहाँ से कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो तालीम याफ्ता हो के सर्टिफिकेट ले के निकले, अंदाज़ा कुछ आइडिया है आपके पास? हाँ, 300-400 के लगभग बच्चे हैं जो यहाँ से तालीम याफ्ता हो गए। और हम गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी करते हैं, जैसे साइंस फेस्टिवल होता है, हमारा स्कूल उसकी मेज़बानी करता है, जिसमें तालके लेवल पर हम और स्कूलों को भी यहाँ मंगवाते हैं, जैसे दूसरे गवर्नमेंट के जो साइंस पे काम करते हैं इदारे यहाँ दूसरे हैं, उनसे इलाज करके हम प्रोग्राम करवाते हैं, अपनी बुनियाद पे भी करते हैं, हम उसकी मेज़बानी भी करते हैं। हमारे
बच्चे जो ज़िले लेवल पे पोजीशन लेते हैं, तालुके लेवल पे फर्स्ट पोजीशन लेते हैं, जो जो भी कंपटीशन होता है उसमें। जैसा कि आपने कहा कि बच्चों को आप तालीम मुफ्त मुहैया करते हैं, जी जी, उनमें किताब हो गए या ऐसी कोई चार्जेस एक्स्ट्रा आप लेते हैं क्या? हम कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो प्रोवाइड करता है, बुक भी वो प्रोवाइड करते हैं, मतलब एज आप कोई भी ऐसी कोई चार्जेस कोई स्टूडेंट से नहीं लेते हैं। अच्छा, ये अब जैसे कि सूरत हाल चल रही है, कुछ स्कूल बंद भी हैं, तो इस सूरत हाल में आपको क्या गवर्नमेंट की तरफ से हैं हिदायतें कि किस तरह चलाएं? गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के तहत सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ने होमवर्क की एक्टिविटी रखी हुई है, एक बच्चा एक हफ्ते में आएगा और वो सीख कर जाएगा, जो उसे नहीं आता। और ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आपका क्या कहना है, आपने इस पर कुछ काम किया है या? हाँ, वो भी है, व्हाट्सएप पे या जो मवाद है सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ने बनाया है, हमारे टीचर्स ने बनाया है, हम वो सेंड बच्चों को करते हैं। अभी भी ऑनलाइन टीचर्स के क्लासेस चल रहे हैं, ऑनलाइन उनको मदद कर रहे हैं साइंस इंग्लिश और मैथ सब्जेक्ट्स में। बेपर्ड एरिया में आपने कंप्यूटर तालीम फराहम करने के लिए एक बेहतरीन कदम उठाया है। जी, तो इस तरह के कदम उठाने बहुत मुश्किल होते हैं, आपको इसमें आपने गवर्नमेंट को ने तावर किया या आपने आप से खर्च किया, ये किस तरह आपने इतना टेक्नोलॉजी वाला आपने उसको? सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ने ग्रांट दी थी, उसमें सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ने ग्रांट्स दी थी कंप्यूटर लैब के लिए 6 लाख रुपया, और उसमें मजीद हमने ऐड करके और उस आईटी टीचर रख कर उसको मजीद आगे बढ़ाया है। हमारे जो बच्चे हैं नर्सरी से लेकर 8वीं तक, वो इनसे मुस्तफीद हो रहे हैं। आपकी क्या ख्वाहिश है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आप इतना दिलचस्पी से बच्चे के मुस्तकबिल को संवारते हैं, तो इस तरह के जैसे ये आपने कोशिश की, क्या इसके अलावा भी आप कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के स्कूल खुले हैं और आप उनके बच्चों को मुस्तकबिल को और आगे ले जाएं, क्या इस तरह की कोई स्ट्रेटजी आपने बनाई है? हमारी स्ट्रेटजी है को इस स्कूल को और भी मजबूत बनाया जाए, काफ़ी प्लान है, हमने वो तैयार किए हुए हैं, इंशाल्लाह उसको पाए तकमील पर बनाएंगे। मतलब इस स्कूल के अलावा भी आप चाहते हैं कि मुख्तलिफ ऐसे स्कूल जी जी खोलने चाहिए जहाँ बैकवर्ड एरियाज में जहाँ स्कूल नहीं है, जहाँ गवर्नमेंट के नहीं पहुँचे या कोई मसला है, उनको हम सपोर्ट करें। तो आप एनजीओ के बेसिस पे, इसके अलावा भी आपने कोई स्कूल? हमारी एनजीओ है जिंदगी वुमेन्स डेवलपमेंट सोसाइटी। अच्छा। हम उसके लिहाज से 5 सेंटर्स चला रहे हैं आपकी मदद, आपकी तरफ से मतलब इस टाइप के आपके 5 स्कूल हैं? हाँ, वो आपने हम अपनी मदद आपके तरफ वो अपनी मदद आप चला, उसमें कोई भी इदारा हमें सपोर्ट नहीं कर, सपोर्ट नहीं कर रहा। उसको चलाए हुए आपको कितना अर्सा हो गया? उसको ये 2011 में चला रहे हैं। तो इतना आपने करा है, अगर गवर्नमेंट अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रही है तो इसको आप कैसे लेके चल रहे हैं? या सिर्फ मदद होती है दोस्तों से, डोनेशन लेते हैं कुछ अपने खर्चे पे चलाते। तो नाज़रीन, ये थे हमारे उस्ताद साहब जिससे हमने पूछा और कुछ बताया। अब इनसे इनके साथ मिलके क्लासरूम का भी दौरा करेंगे और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरह स्कूल को रन करते हैं, आइए इनसे बात करते हैं और देखते हैं। जो है साहब, मुख्तलिफ मुझे पेंटिंग्स और आपकी शागिर्दों की मेहनत नज़र आ रही है, तो एक क्लास में आप कितने स्टूडेंट्स को तालीम दे रहे हैं? 30 बच्चे फ्री क्लास रूम पे। अच्छा, तो कितने क्लास रूम में? 18 क्लास। अच्छा अच्छा, तो क्या लगता है कि बच्चों का जो तादाद है दिन ब दिन बढ़ता जाता है, तो इसको एक्सटेंड करने के लिए कुछ आपने सोचा हुआ है? एक्सटेंड करने के लिए हमने और प्लॉट लेने की कोशिश की है, काफ़ी वादे आते हैं जो वापस चले जाते हैं, क्योंकि मतलब उसका टीचर क्लासरूम रेशो को हमें मेंटेन करना होता है, उसी वजह से।
तो नाज़रीन आज आपने देखा कि इस टाइम के स्कूल्स जो काफ़ी स्टूडेंट्स या तालीम लेते हैं और इनकी जो एक काविश है इतने सारे बच्चों के मुस्तकबिल को संवारना, तो हमारी कोशिश यही है कि हुकूमती इदारे जिसे सेफ है और ऐसे मुख्तलिफ और इदारे होने चाहिए जो बच्चों को बच्चों की तालीम को आगे लेके जाएं और उनके मुस्तकबिल को संवारें। इनका जो मैंने सेटअप देखा माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें कंप्यूटर लैब है, मुख्तलिफ क्लासेस हैं और उनकी एजुकेशन को इतना स्ट्रॉन्ग उन्होंने रखा हुआ है, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं यही एक कहूँगा कि इस तरह की कोशिश जो कर रहा है आप उसका साथ दें और उनकी तालीम को जो देने का मिशन है उसको आगे बढ़ाएं। तो मोहम्मद इमरान से जी है अल्लाह हाफिज़।